वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्लास सिक्स से लेके क्लास टेन तक के इंग्लिश के पेपर में राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि थोड़ी सी मेहनत करके फुल मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। लेटर राइटिंग दो तरह की आती है, एक इनफॉर्मल लेटर और एक फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का वीडियो ऑलरेडी हमने अपनी राइटिंग सेक्शन जो की जो हमारी सीरीज थी उसमें बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया है, वो जहां तक है आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। और आज हम आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं डिटेल में, जिसे आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले यह है कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, और फॉर्मेट के हिसाब से ही हमें वो लेटर लिखना होता है, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं और लेटर राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं, कंटेंट के भी मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा आता है सेंडर्स एड्रेस। तो जैसे सेंडर्स एड्रेस में आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस देना है। जैसे हम इसमें कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, हमने दे दिया यहाँ पे 156 मिंटो रोड न्यू दिल्ली। ये फोर लाइंस में होना चाहिए या उससे कम, इससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए एड्रेस को, इससे ज्यादा लाइन नहीं लिखनी चाहिए। डेट, अब डेट जो है हमने आपको इनफॉर्मल लेटर में भी बताया था कि हमें डेट एक्सपेंड करके लिखनी है, ऐसे लिखनी है। जैसे आप लिख सकते हैं 19 दिसंबर 2020। अब आते हैं नंबर थ्री, रिसीवर्स एड्रेस। तो जैसे फॉर्मल लेटर है हम किसको लिख सकते हैं, एडिटर को लिख सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने एडिटर को लिखा है ये लेटर। जैसे अगर हम एडिटर को लिख रहे हैं तो रिसीवर्स एड्रेस में हम उसका जो है डेजिग्नेशन लिखेंगे, नेम नहीं डेजिग्नेशन लिखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे। जैसे हम एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली। अब फोर्थ पॉइंट जैसे है सब्जेक्ट, तो हम जिस भी प्रॉब्लम पे एडिटर को लिख रहे हैं या जो भी हमारा टॉपिक है, हम उसके ऊपर वन सेंटेंस में, एक शॉर्ट सेंटेंस में, सब्जेक्ट में उसको लिख देंगे। जैसे कि हम एडिटर को लिख रहे हैं तो हम प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग, और जो भी कोई आप प्रॉब्लम या लीव एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट के हेड को, तो वो हम उसमें सब्जेक्ट में दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हमें जनरली इसमें तो सर या मैडम आता है, आप ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं जब अगर आपको पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, या आप ओनली सर ओनली मैडम भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि हम किस प्रॉब्लम के बारे में या किस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आता है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में हमारा क्या होता है कि हमें डिटेल में ये बताना है कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में आपसे क्यों बात करना चाहते हैं या वो क्या प्रॉब्लम है, उसको हम डिटेल में बताते हैं। फिर आता है हमारा बॉडी में ही नंबर थ्री पैरा, कॉन्क्लूजन। तो तीन पैरा हो गए, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और आप जिसको हम लिख रहे हैं, जैसे हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो वो हमारे किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने उनके न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बात को रखा है, वो हम उनको लिखते हैं कॉन्क्लूजन में। अब आता है सेवेंथ पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि हमें लेटर को क्लोज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे।
तो इसमें हम ऐसे करते हैं, थैंकिंग यू, हम उनसे जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो बात हमने पूरी रख दी तीन पैराग्राफ में, और उसके बाद हम थैंकिंग यू करके और आपको योर्स फेथफुली सिंसियरली या ट्रूली ये लिखना है, और लास्ट में अपना नेम लिखना है। और अगर आप उसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उसी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉई हैं, उसके हेड को लिख रहे हैं, तो आप अपना डेजिग्नेशन भी उसमें लिखेंगे, अपने नेम के नीचे डेजिग्नेशन भी लिखेंगे। और नहीं तो आप सिंपल योर्स फेथफुली या सिंसियरली या ट्रूली लिख के अपना नेम लिख देंगे। तो ये फॉर्मेट है उसका, फॉर्मल लेटर का, जो कि आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब फॉर्मल लेटर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से, अभी जो हमने फॉर्मेट देखा था उसमें हम किस तरीके से किस चीज में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो पहले फॉर्मेट जो है वो 1 मार्क का होता है, अगर हमने फॉर्मेट सही किया है तो 1 मार्क हमको मिल जाएगा। लेकिन ये है कि आप खाली फॉर्मेट लिख के ही नहीं छोड़ दें, उसके कंटेंट को भी आपको प्रॉपर लिखना है। तो ये 1 मार्क का हो गया। अब है नेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट जो है वो हमारा, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रॉब्लम है, जो हमारी जिस भी बात को हम कहना चाहते हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर की तरीके से हमें इसमें और कुछ बात एक्स्ट्रा नहीं करनी। अब आता है नेक्स्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या क्या बातें जरूरी होती हैं कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स का यूज हमें करना चाहिए, और फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज। वही बात है, जो हमने पॉइंट शुरू किया है हमें उसी पॉइंट के अपने आइडियाज आगे देने हैं, उससे हमें इधर उधर कहीं और कुछ भी और एक्स्ट्रा उसमें नहीं लिखना है। तो ये हमारा 8 मार्क्स का हो जाता है। ज्यादातर 5 to 8 मार्क्स का ही लेटर राइटिंग आता है एग्जाम में। अब फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट टॉपिक्स के बाद हम आते हैं टिप्स फॉर फॉर्मल राइटिंग, कि क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए, क्या चीजें हमें हमेशा जब हम लेटर लिख रहे हैं तो हमारे माइंड में रहनी चाहिए, जिससे कि हम अपना बेस्ट दे सकें और फुल मार्क्स गेन कर सकें। तो ये टिप्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर मैथ्स की एक सीरीज चल रही है, रिविजन सीरीज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो उसके वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो ये टिप्स हैं, टिप्स फॉर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स। जैसे कि पहले हमने आपको फॉर्मेट में बताया था और एक्सप्रेशन में बताया था कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लेटर लिखने के बाद में एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स को। नंबर टू है लीव एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स एक के बाद एक जब आप दूसरा पैराग्राफ्स लिखते हैं तो उसमें स्पेस जो है वो लाइंस का प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि वो पढ़ने में देखने में अच्छा लगे। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करिएगा। जैसे आपने ब्लू पेन से लिखा है तो आप ब्लैक पेन से कंटेंट में अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। लेकिन आप ये जब करें जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। नंबर 4 है द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम थिंग इज हियर कि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें ब्लू और ब्लैक कलर के पेन का यूज करना चाहिए। जो हमारा सेंडर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है, डेट है,
और सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट है, ये हमें ब्लैक पेन से करना चाहिए और कंटेंट जो है वो हमें ब्लू पेन से लिखना चाहिए और उसमें अंडरलाइन ब्लैक पेन से करना चाहिए। तो इससे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और नीट एंड क्लीन हमें वर्क करना चाहिए। नंबर 5 है रीड अ लॉट ऑफ लेटर्स टू गेट एन आइडिया। ये तो सभी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी हमें काम करना है, कोई भी चीज हमें लिखनी है, तो हम उसके लिए अगर पहले से रीड करते हैं डिफरेंट टाइप के जो लेटर्स हैं वो अगर हम रीड करेंगे तो हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा अपनी बात को कहने का, अपने लेटर को लिखने का। तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा कि आप फुल मार्क्स ले सके। मेरे को लगता है कि फॉर्मल लेटर का आपको फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टिप्स, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसको फॉलो करके आप एक अच्छा लेटर लिख सके। फॉर्मल लेटर किस किस को लिखते हैं ये बात भी सोचनी चाहिए। ये ज्यादातर लेटर टू एडिटर होता है, किसी इंस्टीट्यूशन का हेड को लिख सकते हैं आप, कैसे कि पुलिस कमिश्नर को लिख सकते हैं, ये सब जो है ये फॉर्मल लेटर में आते हैं। जब भी आपको इस टाइप का लेटर लिखना होगा तो आप यही चीज फॉलो करिएगा, यही पॉइंट्स, यही टिप्स आप फॉलो करके लिखिएगा। बाय।